दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। चैप्टर हमारे दोस्त फिनोल है, तो आज हम लोग फिनोल का केमिकल प्रॉपर्टीज में फिनोल का रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करेंगे और मेन प्रोडक्ट के रूप में इस्टर बनाएंगे। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ एसेटिक अनहाइड्राइड। तो हम लोग दोस्त लैंग्वेज लिखेंगे, तो लैंग्वेज है हमारा पॉइंट नंबर वन ईस्टर इज फॉर्म्ड। पॉइंट नंबर टू स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। फिनोल का रिएक्शन एसेटिक अनहाइड्राइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ईस्टर बनता है, तो यह हमारा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। वो खासम खास रिएक्शन जहां पर ईस्टर बनता हो वह हमारा स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त एसेटिक अनहाइड्राइड क्या होता है। देखिए दोस्त, अनहाइड्राइड का जो एन है वह उसका मतलब हो गया अब्सेंस, और हाइड्राइड का मतलब वाटर होता है, तो अब्सेंस ऑफ वाटर को अनहाइड्राइड बोलते हैं। तो एसिटिक अनहाइड्राइड क्या है, देखिए दोस्त, ये हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप है, ये एक और मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ और दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ, तो वो कहलाता है एसिटिक अनहाइड्राइड। इसी को हम लोग दोस्त लिख सकते हैं, ये हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो मिथाइल कीटो ग्रुप लिख दिए, कीटो ग्रुप के आगे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख दिए, और ऑक्सीजन के आगे कीटो ग्रुप और मिथाइल है, ये हो गया हमारा कीटो ग्रुप और ये हो गया हमारा मिथाइल। तो एसिटिक अनहाइड्राइड को हम दोस्त इस तरह से लिख सकते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड को एक तरीके और से लिख सकते हैं। ये देखिए दोस्त, ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है, और ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप का सिंबल हो गया एसी, एसिटाइल ग्रुप का सिंबल हो गया एसी, तो एसिटाइल ग्रुप दो ठो है, तो एसी का होल टू लिख दिए, और एक ऑक्सीजन एटम था तो एक ऑक्सीजन लिख दिए, तो एसी के होल टू ओ को एसिटिक अनहाइड्राइड कहते हैं। हम लोग दोस्त केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ये हमारा दोस्त मिथाइल कीटो ग्रुप है, मिथाइल कीटो ग्रुप, मिथाइल कीटो ग्रुप, तो दो मिथाइल कीटो ग्रुप को लाओ, दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ, तो वो कहलाता है एसेटिक अनहाइड्राइड।
और एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनोल के साथ करेंगे तो ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ है बेंजीन का रिंग। और कैटलिस्ट है हमारा दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को दोस्त हम लोग एच प्लस के रूप में भी लिखते हैं, एच प्लस को ही हम लोग एच टू एस ओ फोर बोलते हैं। जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो वह टूटकर एच प्लस देता है, तो एच प्लस को हम लोग दोस्त मिनरल एसिड भी कहते हैं। अब देखिए दोस्त ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और ये हमारा दोस्त बॉन्ड टूट चुका है। हाइड्रोजन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये हमारा दोस्त मिथाइल कीटो ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है बेंजीन का रिंग, तो ऑक्सीजन से जोड़ दिए बेंजीन का रिंग। अब देखिए दोस्त मिथाइल कीटो ग्रुप था तो मिथाइल कीटो ग्रुप लिख दिए, कीटो ग्रुप से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन तो कीटो ग्रुप से जोड़ दिए ऑक्सीजन को। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया तो हाइड्रोजन यहां पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब देखिए दोस्त यहां पर बॉन्ड था तो बॉन्ड ब्लॉक दिखा दिए, और इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा ऑक्सीजन तो वो भी साइन दिखा दिए। बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनोल। अब देखिए दोस्त यहाँ पर कार्बन का चेन है, कार्बन का चेन है, बीच में ऑक्सीजन का चेन आ गया तो कार्बन का चेन डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो उस समय बेंजीन हमारा ब्रांच बन जाता तो बेंजीन को ब्रांच के रूप में फिनाइल बोलते हैं, तो ब्रांच को सबसे पहले लिखते हैं तो ये हो गया हमारा फिनाइल। और इस्टर हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इस्टर बोलता है कि हम जहां खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो प्रिंसिपल चेन दो कार्बन का हो गया तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स में एन लिख दिए, और इस्टर फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओएट लिखते हैं, ये हो गया हमारा ओएट। दो ठो भोवे लगातार है तो प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा दी, अब ओएट था तो यहाँ पर ओएट लिख दिए, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनाइल इथानोइट। और यहाँ पर दोस्त इस्टर है, ये हमारा इस्टर बन रहा है। दो कार्बन के लिए कॉमन नेम में एसिड लिख दिए, और दो ऑक्सीजन को कॉमन नेम में आईसी बोलते हैं, और एच प्लस के लिए एसिड लिख दिए, तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनोल के साथ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इस्टर बनता है, और इस्टर के रूप में फिनाइल इथानोइट बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड बनता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनोल के साथ खत्म हुआ। तो दोस्त काश दो दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे ख्याल रखना।